नमस्कार, मैं रितेशु सेन जायसवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का सत्य केतन समाचार में। आज हम बात करने वाले हैं सदी के सबसे महान बिजनेसमैन, इंजीनियर और एक्सपर्ट इंडस्ट्रियल डिजाइनर के बारे में। हम तकनीकी जगत के विशेषज्ञ और विश्व के दूसरे सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर एलन मस्क की ही बात कर रहे हैं। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आज एलन मस्क अपनी एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी को पूरे विश्व में लॉन्च करने और फैलाने के लिए बखूबी जाने जाते हैं। आज ये हम सबको पता है कि आयरन मैन नाम से जाने जाने वाले एलन मस्क पेशे से प्रतिभाशाली व्यापारी हैं, जो अभी टेस्ला कंपनी के को फाउंडर CEO और आर्किटेक्ट ऑफ प्रोडक्ट, SpaceX कंपनी के फाउंडर CEO और चीफ डिजाइनर, OpenAI के को चेयरमैन, द बोरिंग कंपनी के फाउंडर और न्यूरोलिंक के फाउंडर और CEO हैं। इन सभी के अलावा मस्क सोलर सिटी के को फाउंडर और फॉर्मर प्रेजिडेंट, Zip2 के को फाउंडर और XCOM के फाउंडर हैं। मालूम हो कि 1999 में लॉन्च किए गए XCOM को कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज कर दिया गया था और वर्ष 2002 में उस कंपनी का नाम PayPal कर दिया गया। ये सब तो हुए मस्क के हाल फिलहाल के पेशे से संबंधित विवरण। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब एलन मस्क को अपनी कौशलता को साबित करने में तमाम किस्म के जद्दोजहद करने पड़ रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं एलन के बचपन के दिनों से। एलन मस्क का जन्म सन 1971 28 जून को साउथ अफ्रीका में स्थित प्रिटोरिया शहर में हुआ था। एलन का पूरा नाम एलन रिव मस्क है और उनकी माँ मे मस्क, जो कि पेशे से एक मॉडल थी, और उनके पिता एलन मस्क बाकायदा इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। एलन को अक्सर मस्क की माँ के सोच विचारों से आपत्ति होती थी, जिसके चलते जब एलन महज 9 वर्ष के थे तभी उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था। तालाक के बाद एलन अपने पिता और 2 छोटे भाई बहनों के साथ प्रिटोरिया शहर में ही रहते थे। एलन को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक हुआ करता था। जब वे करीब 10 वर्ष की उम्र के थे तभी उन्होंने एक सामान्य कॉलेज के छात्र के मुकाबले अधिक किताबें पढ़ डाली थी। यही नहीं, मस्क जब 12 साल की आयु के हुए तभी उन्होंने घर पर ही किताबों की मदद से कंप्यूटर के बेसिक लैंग्वेज के माध्यम से एक वीडियो गेम का निर्माण कर डाला। बाद में खुद से बनाए उसी वीडियो गेम को एलन ने $500 की कीमत में किसी कंपनी को बेच दिया था और फिर उन्हीं पैसों से मस्क अपने स्कूल की फीस भरा करते थे। कहा जाता है एलन अपने शुरुआती दिनों से ही काफ़ी शर्मीले किस्म के बच्चे हुआ करते थे। यही कारण था कि उन्हें स्कूल के और बच्चे अक्सर परेशान किया करते थे। एक बार तो उसी स्कूल के कुछ शरारती बच्चों ने मस्क को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गए थे, जिसके बाद एलन को कई दिनों तक अस्पताल में ही भर्ती कराए रखा गया था। जब उन्हें होश आया तो उनकी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी थी। हालांकि लंबे इलाज के बाद एलन को सब कुछ याद तो आ गया, लेकिन आज भी उन्हें कभी कभी सांस की दिक्कत हो जाती है। चलिए एक बार जल्दी से एलन रिव मस्क के करियर से जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। मस्क ने साउथ अफ्रीका से हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म कर वर्ष 1988 में कनाडा के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद उन्होंने कई किताबें पढ़ी, तकनीकी ज्ञान इकट्ठा किया और वर्ष 1995 में मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोल दी, जिसे उन्होंने सन 1999 में करोड़ों डॉलरों में बेच दी। उसके कुछ ही समय के बाद उन्होंने X.com नाम की एक दूसरी कंपनी का भी निर्माण किया, जिसे कॉन्फिनिटी कंपनी के साथ मर्ज कर दिया गया। और फिर उन्होंने मर्ज की हुई कंपनियों को PayPal नाम से एक नई कंपनी का रंग रूप दे दिया। पर एलन के मजबूत इरादे यहीं कहाँ रुकने को थे। उन्होंने उसके बाद SpaceX और टेस्ला जैसी मशहूर कंपनियों को मार्केट में लॉन्च किया। उसके बाद फाल्कन हैवी रॉकेट के निर्माण करने और उसको डिज़ाइन करने में एलन मस्क ने बड़ी भागीदारी निभाई। दिसंबर 2016 में एलन रिव मस्क को फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 21वें स्थान पर रखा था। उसके बाद साल 2018 तक फोर्ब्स ने एलन को विश्व के 53वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया था, जिसके बाद साल 2021 में फोर्ब्स ने आयरन मैन एलन रिव मस्क को पूरे विश्व का दूसरा सबसे अमीर आदमी घोषित कर दिया। तो ये था एलन मस्क का आम आदमी से दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बनने तक का सफ़र। अगर आपको हमारे द्वारा दिखाई गई वीडियो से कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।